सकते हो जी जी। अध्यक्ष जी, आज अमेठी से राहुल गांधी को पर्चा नहीं मिला है बल्कि रायबरेली पहुंच गए, क्या कहा जाएगा इस बार? क्या अमेठी उन्होंने छोड़ ही दी है? बिल्कुल अभी तो ये तो कांग्रेस पार्टी एक देश का बड़ा राजनीतिक संगठन है, लंबे से कांग्रेस ने हमारे देश का सरकार का नेतृत्व किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पलायन कर चुकी है। पूरे 5 साल अमेठी कभी राहुल गांधी आए नहीं, पूरे 5 साल श्रीमती सोनिया गांधी कभी रायबरेली आई नहीं, तो निश्चित रूप से ये इनके मन में ये भाव रहा होगा कि अमेठी जाऊंगा तो लोग प्रश्न पूछेंगे कहाँ थे, लेकिन रायबरेली में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता सब जानती है, देश की जनता जानती है, और हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और संपर्क के आधार पर हम अपना पूरे 10 वर्ष का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में। राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया है, शिवगढ़ी गए थे कर्नाटक में, कि रेपिस्टों के लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, जो रेवन्ना के लिए उन्होंने कहा है कि रेपिस्टों के लिए वोट मांग रहे हैं। मामला सब जुडिस है और हमारे यहाँ देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और हम सब लोगों को न्यायपालिका में विश्वास है। हम किसी भी अवैध अनैतिक काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी संस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। कानून अपना काम करेगा, जिसने जो अपराध किया है उसे विधि सम्मत सजा मिलेगी। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव ने एक बयान जब किया है कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था और जो संविधान बचाओ मंथन हो रहा है 2024 का इलेक्शन, इसमें एक तरफ संविधान खत्म करने वाली पार्टी और दूसरी तरफ बचाने वाली, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के और पिछड़े वर्गों के बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं। ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। INDIA गठबंधन, जिस प्रकार से इन्होंने दक्षिणी भारत में पिछड़े वर्गों का आरक्षण काटकर मुस्लिम समाज को दिया है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और ये लोग षड्यंत्रकारी हैं और एक नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी लोगों ने स्पष्ट किया है और देश की जनता इनके चाल चरित्र को सब जानती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चुनौती दी है कि हम उनसे डिबेट करना चाहते हैं मैनिफेस्टो, तो प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है, जैसा मुस्लिम लीग का, और जिस प्रकार से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शरीयत को बढ़ावा देने की बात कही गई है, उसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में सामाजिक आधार पर, जाति क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटवारा किया है, उस एजेंडे को प्रदेश की जनता, देश की जनता अब नकार चुकी है और कांग्रेस के लिए कोई संभावना देश के लिए बची नहीं। इसी बात को लेकर उन्होंने डिबेट के लिए कहा है, जो आपने कहा है।